मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम इस संध्याकालीन की प्रार्थना करें और प्रभु से बातचीत करें। हम सभी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रभु का आदर करें। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बिस्तर में जाने से पहले, विश्राम करने से पहले प्रभु परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। हम सभी एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक मनसा होकर प्रभु परमेश्वर के पास आएं और उसके प्रेम को स्मरण करें, उसकी भलाइयों को स्मरण करें। उसने हमें दिन भर संभाला, हर एक्सीडेंट इंसिडेंट से, हर बड़े खतरों से, मुसीबत से, हानि नुकसान से परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको बचाया और आपकी और मेरी रक्षा की। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय, हम में से कई प्रिय भाई बहन अपने घर से बाहर निकलकर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और प्रभु परमेश्वर ने उन सारे कामों में मदद किया और अपने अपने घर में सुरक्षित लेकर आया और इस संध्याकालीन की प्रार्थना में बैठने के लिए मौका दिया। इस बात के लिए उस परमेश्वर पिता प्रेमी का धन्यवाद करें, खुदा का आदर करें। मेरे प्रियो, कई लोग अपने घर से बाहर निकलते ही दम तोड़ देते हैं, उनको मौत आ जाती है या कई हानि नुकसान हो जाता है, लेकिन प्रभु की दया और प्रभु के महाकरुणा के फल ने मुझे और आपको बचाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले में ले लेती है, उसी प्रकार उसने मेरी और आपकी रक्षा की, उसके पंखों की आड़ में मुझे और आपको ले लिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। उसके उपकारों को, उसकी भलाइयों को याद करें, उसके प्रेम को याद करें, उसके अनुग्रह को याद करें। मेरे प्रियो, हमें उसने सुरक्षित रखा है, हमारे जीवन में हानि नुकसान होने से बचाया है, अंधकार की शक्तियों और जादू टोने से बचाया है, बीमारी और गरीबी से बचाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, जीवित है और सामर्थ्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ जो डर है प्रभु के सामने रख दीजिए। हो सकता है आप भविष्य को लेकर डर रहे हो सकता है आप बीमारी को लेकर डर रहे हो सकता है आप कर्ज को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने परिवार को लेकर डर रहे हो सकता है आपको कई लोग डराने की कोशिश कर रहे हो सकता है कई लोग आपके विरुद्ध में खड़े होकर कह सकते हैं कि तू इतना प्रार्थना करता है फिर भी तेरे जीवन में ये क्यों है। कई बातों को लेकर आपको डराने की कोशिश कर सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि मैं और आप प्रभु में हैं, मुझ में और आप में डर के नाम की चीज कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबिल में पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर पिता के वचनों को पढ़ते हैं, कई इसी प्रकार की घटना होती है, जो इंसान आते हैं और कहते हैं, तेरी बेटी तो मर चुकी, अब तू गुरु को क्यों दुख देता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम बाइबिल में पढ़ते हैं लूका सुसमाचार उसका 8 उसका 50 पद में ऐसा लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। मेरे प्रियो, इस घटना के बारे में आप सभी जानते होंगे। आराधनालय के सरदार था जिसकी बेटी मरने पर थी और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता और कुछ देर बाद इन सारी घटनाओं को जब मैं और आप पढ़ेंगे तो वहीं पर एक 12 साल से एक रोगी स्त्री भी थी जिसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छू लेती, विश्वास करती है और भली चंगी हो जाती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस आराधनालय की बेटी मर चुकी थी और कई लोग आकर कहने लगे, वो तेरी बेटी तो मर चुकी है, अब तू गुरु को क्यों दुख देता है। तब प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनकी बातों को और ध्यान ना देकर
उन बातों को अनसुनी करके उस आराधनालय के सरदार से कहा, यदि तू विश्वास करेगा तो वो बच जाएगी, इसलिए तू मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास रख, विश्वास रख। मेरे प्रिय, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती है, आपको कई लोग कह सकते हैं, डरा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, उनकी बातों पर आप गौर ना करें, उन सारी बातों को अनसुनी कर दीजिए, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी बातों को अनसुनी करके कहा, तेरी बेटी बच जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आपके ऐसी परिस्थितियां होंगी जो लोग आपसे कह रहे होंगे कि तू इतना प्रार्थना क्यों करता है, तू इतनी प्रार्थना क्यों करती, इतना चर्च क्यों जाता है, इतने चर्च क्यों जाती है, क्यों विश्वास करता है, तेरे जीवन में तो ऐसा है, तेरे जीवन में तो ये घटनाएं हो चुकी है। आपको डराने की कोशिश करेंगे, शैतान आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन सारी बातों से आप मत डरिए, मत घबराइए, केवल विश्वास कीजिए, प्रभु परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। एक जगह जब लोग उस झील के अंदर थे, उसके चेले उसके झील के पार जब नाव में बैठकर जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं, भूत करके डर जाते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा, मत डरो, मैं हूं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया होता है और जब वो तीसरे दिन जी उठता है और चेले, सब चेले इकट्ठे होकर विलाप करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन जब वो उनके बीच में प्रकट होता, वो डर जाते, तब प्रभु ने कहा, मत डरो, मैं हूं, तुम्हें शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कई बातों को लेकर आप डर रहे होंगे, चिंतित होंगे, लेकिन प्रभु कहता, मैं हूं, मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे खुदा पर विश्वास कीजिए, मेरे पिता पर विश्वास कीजिए। मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियों को मेरा पिता बदल देगा, आपकी चिंताओं को मेरा पिता बदल देगा। प्रभु परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। प्रभु पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर खुदा का धन्यवाद करें, इन सारे वचनों के लिए पिता का आदर करें। मेरे खुदा, इस समय के लिए आपका धन्यवाद, इस संध्याकालीन के लिए आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपकी वाणी के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। और जितने भी तेरे करीब हैं और जो डर के साय में जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से डर खत्म हो जाए, उनके जीवन से सब प्रकार की बीमारी, उनके जीवन से सब प्रकार का कर्ज, उनके जीवन से सब प्रकार की टेंशन, उनके जीवन से सब प्रकार का डर खत्म हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खमा बाबा रिखाना लारा तिना लारा दादा बाबा रचखाना लारा बाला रदा बाबा बाबा बाबा। मेरे प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, मेरे पिता तू दया कर, मेरे अब्बा तू दया कर, मेरे स्वामी तू दया कर, मेरे राजा तू दया कर, और तेरे बेटे और बेटियों में से बीमारी का डर, कर्ज का डर, अंधकार की शक्तियों का डर, परेशानियों का डर, ओ गरीबी का डर, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु तू दया कर, उनके जीवन से सब प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं, ओ लाचारी, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। मेरे प्रभु, तेरे लोगों में से डर नाम की चीज खत्म, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार के अंधकार की शक्ति, सब प्रकार के जादू टोना, भूत प्रेत की शक्ति, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना करें, उनके जीवन से यीशु के नाम से बीमारी और कमजोरी और लाचारी और अंधकार की शक्ति, जादू टोना, भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए। मैं नाश करता हूं अंधकार की शक्तियों को, मैं खत्म करता हूं उस डर को, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। जो पिता परमेश्वर सीरियस कंडीशन में है, जो आईसीयू और कोमा में है, प्रभु ने उठाकर खड़ा कर, यीशु के नाम से
परमेश्वर पिता उन सारे अंधकार की शक्ति को आप नाश कीजिए, उस बीमारी को खत्म कीजिए। प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के जीवन से सब प्रकार का डर खत्म हो जाए। प्रभु आप उठाकर खड़ा कीजिए। पिता परमेश्वर जितने भी अनाथ और विधवाएं उनकी रक्षा करें, उनके जीवन में से सब प्रकार का डर खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से निसंतान है उन सारे मेरे प्रिय भाई बहनों को संतान दीजिए। प्रभु आप दया कीजिए और जो भी गुप्त बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी रोग है, प्रभु यीशु के नाम से पति पत्नी के जीवन से खत्म हो जाए और उन्हें औलाद दे, उन्हें औलाद दे, उन्हें वंश दे, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद खुदा तूने प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते। प्रभु जितनी भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे और उनके जीवन से सब प्रकार का डर खत्म हो जाए और प्रभु समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप आशीषित करें। जितने भी भाई बहन बेरोजगार हैं प्रभु उनके लिए पिता परमेश्वर रास्ता खोल दे, उनके जीवन से वो डर खत्म हो जाए, कर्ज का डर खत्म हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उन्हें जॉब दीजिए। जो बार बार असफल हो रहे हैं प्रभु उन्हें सफलताएं दे प्रभु। उनके लिए जॉब प्रबंध करें, व्यवस्थाएं करें। जिन्होंने मेरे प्रिय भाई बहनों ने पिछले दिनों में जो एग्जाम्स दिए हैं प्रभु उनमें उन्हें सिलेक्ट कर, मेरे प्रभु ने सिलेक्ट कर, मेरे यीशु ने सिलेक्ट कर और प्रभु यीशु के नाम से आशीषित कर। और पिता मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सारे प्रियों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर स्टडी की है और पिता आने वाले दिनों में उनका एग्जाम्स आएगा परमेश्वर पिता, उनको तो सिलेक्ट कर, उनके लिए पिता परमेश्वर पढ़ने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा दे और उन्हें सफलताएं दे मेरे खुदा। हाँ मेरे राजा अपने प्रार्थनाओं को सुना। विशेष करके हमारे प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना करते जो स्टूडेंट्स हैं प्रभु, उनके जीवन से सब प्रकार का डर खत्म हो जाए, फेलियर की बातें खत्म हो जाए, चिंताएं खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, सिर दर्द खत्म हो जाए, आंखों में से पानी आना बंद हो जाए, जलन होना बंद हो जाए और प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे और उन्हें टॉपर कीजिए। हर एक एग्जाम्स में उन्हें टॉपर कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खमा बाबा रश खाना ला रबा प्रभु तू दया कर और सब प्रकार की टेंशन और चिंताएं बच्चों के जीवन से खत्म हो जाए। हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं उन सारे मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीषित कीजिए और उनके जीवन से कर्ज का डर, सब प्रकार की बेरोजगारी का डर खत्म हो जाए और उन्हें सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए। हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना। तेरे दासियों को अभिषेक से भर, सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर। तेरे दास और दासियों को हिम्मत दे, याद उनके जीवन से भी सब प्रकार का डर खत्म हो जाए। विपरीत परिस्थितियों में सताव में उन्हें हिम्मत दे, याद दे, शक्ति दे, सामर्थ्य। और जितने भी कोर्ट केस में फंसे हैं, जेल के अंदर है, कोर्ट के अंदर है प्रभु उन्हें वहाँ इस्तेमाल कीजिए और प्रभु यीशु के नाम से आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ घर परिवार में से शांति खत्म हो जाए, घर परिवार में से लड़ाई झगड़ा पाप बुराई अपराध खत्म हो जाए और प्रभु हर एक जन एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे। और विशेष करके पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं एक साथ रहे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे और जितने भी लोग अलग अलग हैं प्रभु वो एक संग रहे और प्रभु आपकी आराधना करें। विशेषकर जब बच्चों के लिए और जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के जीवन को बदल दीजिए, वो लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर जितने भी लोग नशा करते हैं प्रभु उनके जीवन से नशा खत्म हो जाए, सब प्रकार के बुरे आदतें खत्म हो जाए यीशु के नाम से। नर्क की आग से बचा ले, बर्बाद होने से बचा ले, जवानों को भी बचा ले मेरे खुदा। विशेष करके उनकी शादी के लिए प्रार्थना करते जो शादी लायक है प्रभु उनके लिए जोड़ा तैयार कर प्रभु यीशु के नाम से। आप जोड़ा तैयार करें मेरे खुदा। जिन घरों में शादी है प्रभु उन घरों में पिता आपकी उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करती, कोई कमी घटी उनके जीवन में ना रहे मेरे प्रभु। तू दया कर, आशीषित कर पिता परमेश्वर। जितने भी पिता परमेश्वर घर बना रहे प्रभु उनका अनकम्प्लीट है घर, उनका घर कंप्लीट हो जाए। पैसे कौड़ी का प्रबंध करे, व्यवस्थाएं करे। जितने भी प्रार्थना करें उनके जीवन से सब प्रकार का डर, बीमारी का डर, गरीबी का डर, कर्ज का डर, पढ़ाई का डर यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आप आशीषित करें पिता। इस रात्रि को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें मीठी नींद प्रदान कर और जिन्हें बुरे और डरावने सपने आते यीशु के नाम से बंद हो जाए, खत्म हो जाए वो सपने यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा तूने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर तू सपनों दर्शन से बातचीत कर, आशीषित कर पिता परमेश्वर। आपने हमसे प्रार्थना सुन लिया प्रभु, आपका धन्यवाद। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं प्रार्थना। हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास करना, क्योंकि प्रभु आपके साथ है और आपके जीवन से वो सारी परेशानियों को वो दूर कर देगा, प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। आप सभी का धन्यवाद। आप प्रेजिंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन में भी, सुबह 6:30 बजे और शाम को 8 बजे के ऑनलाइन सेशन में आप जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु में आगे बढ़िए और खुदा में आगे बढ़िए। सबको जय मसीह की।